अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं नाजिया, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ गोलगप्पे रेसिपी। मेरा फर्स्ट पार्ट जो वीडियो का है वो थोड़ा मिस हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं अपलोड करूँगी। इसमें मैंने सेमोलिना लिया है और थोड़ा ऑल पर्पज़ फ्लावर मैदा, और उसको मैंने गर्म पानी से गूंदा है क्योंकि सेमोलिना जो है वो सूजी जो है वो थोड़ी मोटी थी। अगर बारीक सूजी हो तो हम इसे ठंडे पानी से भी गूंद सकते हैं। और अभी मैं इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने इसको बेलना शुरू कर दिया है। अभी मैं इसकी दो जो है वो एक रोटी टाइप बना लूँगी, इसको फ्लैट कर लूँगी और फिर इसके मैं सर्कल की मदद से, किसी भी सर्कल की मदद से मैं इसके अंदर से गोलगप्पे की शेप में मैं इसको गोलगप्पे बनाऊँगी। और अभी ये दूसरी रोटी मैं रेडी कर रही हूँ, इसके बाद मैं ये बनाऊँगी। ये देखिए, ये मैं इसको गोलगप्पे जो हैं वो मैं इसकी जो डो है वो पहले बनाई थी, अभी गोलगप्पे बना रही हूँ। अभी ये मैंने सारी रेडी कर ली हैं और यहाँ मैंने लिए हैं पैन और इसमें ऑयल ऐड किया है, और ऑयल जो है वो इसको गर्म होने दें, ठंडे ऑयल में ना डालें वरना ये नहीं बनेंगे। और अभी ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल जो है वो आप स्प्रिंकल करते जाएँ तो ये बनता जाएगा, या फिर आप इतना ऑयल इस्तेमाल करें कि ये कम्प्लीटली इसके अंदर डीप हो जाए। अभी ये रेडी हो गए हैं, मैंने इसको एक सेपरेट बाउल में डाल दिया है। और यहाँ मैंने ये पोटैटो थे इसके ऊपर मैंने चाट मसाला डाला है। ये मैंने ग्रीन चटनी ली है, ग्रीन चटनी के साथ मैंने लिया है योगर्ट वाली चटनी, रायता यानी। ये देखें, ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, लेकिन मैं चाहती थी थोड़े से और बड़े साइज में, थोड़े से ऊपर वाले साइज़ में बने, लेकिन ये इतने नहीं बने, मतलब अच्छे बने हैं लेकिन जो मैं चाह रही थी वो नहीं बने। ये इमली का पानी है जो मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ था, इसमें थोड़ी सी मैंने बर्फ आइस ऐड की है और साथ में थोड़ा सा मसाला भी। अभी मैंने इसके अंदर आइस ऐड किया है, वो ठंडा सा पानी जो है वो बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। आई होप को ये रेडी हो चुका है, आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी।